गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेव पैकेट। ठीक है, ये आपके क्वांटम मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट का पोर्शन है। क्लियर है? अब देखो, वेव पैकेट क्या है। जब हमने डी ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ी थी, ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी जो कण है, कण किस टाइप के, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या कोई अल्फा कण है, ये यदि त्वरित गति करते हैं, ठीक है, तो त्वरित गति करते हुए ये कण होते हुए भी क्या है, तरंगीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ये तरंग कौन सी तरंग है, द्रव्य तरंग नाम दिया गया। इन तरंगों को कौन सा नाम दिया गया, द्रव्य तरंग का नाम दिया गया। अब दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकली हम किसी मैटर वेव को, द्रव्य तरंग को कैसे रिप्रेजेंट करें, या उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे लिखें, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको समझाया गया। ठीक है, तो देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि कोई भी एक पार्टिकल है वो क्या करेगा, तरंग प्रकृति से रिलेटेड होता है। और ये उन्होंने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आया था, पी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। पी क्या है, संवेग है कण का, और लेमडा क्या है, तरंग की तरंग देते हैं। इसलिए इन दोनों में क्या आ गया था, रिलेशन आ गया था। अब देखो मैं इसमें जरा सा चेंज कर रहा हूँ, 2π से डिवाइड कर रहा हूँ, और 2π से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एच अपॉन 2π को तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ऐसे डिनोट किया गया था। ठीक है, और 2π अपॉन लेमडा को क्या लिखा गया है, कि 2π अपॉन लेमडा को क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, के को वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तरंग संचरण नियतांक। क्या कहते हैं इसको, तरंग संचरण नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब देखो तरंग संचरण नियतांक, हमने इसको के को कह दिया, एक कहानी यहां खत्म हो गई। सेकेंड, यदि हम एनर्जी की बात करें तो E इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सिमिलरली ये करूँगा, 2π से डिवाइड करूँगा, 2π से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो H अपॉन 2π किया तो यहाँ तो सेम कौन आ गया, और 2π f या 2π न्यू बोलूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये में हमारे पास दो रिलेशन है, एक तो संवेग का है, दूसरा ऊर्जा का। ठीक है, अब इस तरंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, हमें एक नए फंक्शन के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सपोज कोई एक नया फंक्शन लिया, ठीक है, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सपोज जो तरंग है वो एक्स एक्स की दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, तो एक्स के फॉर्म में ले लिया। वाई दिशा में करती तो वाई टी लिख लेते, जेड में करते तो जेड टी, या तीनों ही डायरेक्शन में करते, यानी स्पेस में करता तो मैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी की फॉर्म में इक्वेशन को क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई ए एक्सपोनेंशियल ऑफ जे की एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ई टू द पावर जे की एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ये सिंपल किस फॉर्म में है, तरंग फॉर्म में। यदि हम किसी भी पार्टिकल की वेव इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें पार्टिकल के पैरामीटर्स को क्या है, लेना पड़ेगा। ठीक है, और पार्टिकल के पैरामीटर्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ जे पी एक्स माइनस ई टी डिवाइडेड बाय एच, या फिर एच अपॉन 2π लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, तरंग से संबंधित जो है उसकी क्या है, तरंग की इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तरंग की बात कर रहे हैं तो वो चीज लेमडा या ओमेगा से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो वेव पैकेट में क्या किया गया कि हम ये मानते हैं कि जो कण है वो कोई बहुत कम दूरी पर क्या है, नियत है, और वो लघु दूरी को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स लिख रहे हैं। तो कोई भी कण है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक क्या है, नियत है। ठीक है, तो हम तरंग को कुछ इस तरीके से क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कण या तरंग दोनों के दोनों डेल्टा एक्स दूरी के अंदर अंदर ही नहीं है, चाहे हम कण की बात करें चाहे हम तरंग की बात करें।
दोनों के दोनों डेल्टा एक्स दूरी के अंदर ही क्या है, सेट है। तो इसको हम क्या कि पैकेट हमने क्या किया, एक लिमिट में बांध के रख दिया, ठीक है। तो इसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब वेव पैकेट को यदि आप किसी इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन के लिए हमें कोई तरंग फलन लेना पड़ेगा, वेव फंक्शन लेना पड़ेगा। और इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि इस वेव फंक्शन में क्या है, एक्चुअली जो वेव फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम जो वैल्यूज है तरंग हो या कण हो उसका मान इस पैकेट के अंदर अंदर है। तो जहां पर तरंग फलन का मान सबसे ज्यादा हो वहीं पर कण के होने की संभावना भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जिस जगह पर या जिस समय पर, तरंग फलन को हम जगह और समय के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस जगह या जिस समय पर इसका मान सबसे ज्यादा है वहां पर उस कण के पाए जाने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी भी क्या है, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, तरंग फलन जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत की क्या करे, पालना करे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि कण से संबंधित जो तरंग का फलन है वो स्वयं के कण के व्यवहार को वर्णित करे, न कि अनेक कणों के व्यवहार को वर्णित, ठीक है। ये हमें इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा वेव पैकेट का क्या है, कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब हम दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को क्या है, कैलकुलेट करते हैं। वो पैरामीटर क्या है, एक तो है फेज वेलोसिटी, ठीक है, और एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। एक तो है फेज वेलोसिटी और सेकंड क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमने एक फलन माना था वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं कोई दो वेव पैकेट्स लेके चलूंगा। एक इक्वेशन हमने लिख ली ए साइन के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी, और सेकंड की इक्वेशन क्या लिखी है हमने, ए साइन के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी, ठीक है। अब इन के वेलोसिटी क्या होगी, फेज वेलोसिटी, कला वेग क्या होंगे, तो देखो फर्स्ट पार्टिकल की जो फेज वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे वी वन लैम्डा, ठीक है। तो वी वन टू पाई से हमने मल्टीप्लाई किया, टू पाई से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास रिलेशन आ गया ओमेगा वन अपॉन के वन। सिमिलरली मैं वी पी टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी टू लैम्डा टू यानी कि ओमेगा टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरंगों में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है आरोपित करेंगे। तो देखो अध्यारोपण का सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन दोनों तरंगों से जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, हमने कोई तरंग फलन लिया परिणामी जो इन दोनों तरंग फलनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यही है, हम कई बार लगा चुके हैं, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए साइन के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी प्लस साइन के टू एक्स माइनस ओमेगा टू, ठीक है। ये हमारे पास परिणामी तरंग की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, साइन ए माइनस बी का या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन सी माइनस डी प्लस का साइन सी माइनस डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टू ए कोस के वन माइनस के टू बाई टू एक्स माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू इंटू साइन के वन प्लस के टू बाई टू एक्स माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूलोज जो थे वो हमने क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखो के वन माइनस के टू को हम डेल्टा के लिख सकते हैं, जरा सा अंतर होगा। ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। के वन प्लस के टू बाई टू को क्या लिख सकते हैं, के एवरेज वैल्यू आ गई, और ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो परिणामी तरंग फलन क्या आ जाएगा, टू ए कॉस डेल्टा के वाई टू एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा वाई टू टी साइन
के एक्स माइनस ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, जो फाइनल इक्वेशन आई है वो एक्चुअली इस तरह से क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेंगे, ये अलग अलग से क्या बनेंगे, वेव के पैकेट मिलेंगे। तो इस वेव का जो पैकेट है, इस पैकेट का जो आवरण है, जो कवर है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, ये जो हमारे पास टर्म है, ये जो टर्म आई है, क्योंकि ये तो सिंपल इक्वेशन है, ये जो टर्म है ये इसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन को क्या है, रिप्रेजेंट करती है, 2a cos डेल्टा के एक्स वाई 2x माइनस डेल्टा ओमेगा वाई 2t, ये क्या है, इस आवरण का आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, डेल्टा ओमेगा वाई 2 और डेल्टा के वाई 2, ये तरंग संचरण नियतांक हो गया और ये कोणीय आवृत्ति हो गई इसी आवरण। ठीक है, एक्चुअली ये जो आवरण का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, मॉड्यूलेशन के अंदर आता है, मॉड्यूलेशन, कौन से मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, फेज वेलोसिटी के फॉर्म में हमने इसको समझाया। अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रुप वेलोसिटी, तो देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी की बात करें तो देखो, यदि आप इस कांस्टेंट की बात करो, कौन सा, जो वेव पैकेट का आवरण है, 2a cos डेल्टा k by 2x माइनस का डेल्टा ओमेगा by 2t। ठीक है, इसमें हम क्या ले लें, कांस्टेंट ले, इसको हम क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी फॉर्म है, तो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये ग्रुप वेलोसिटी का सिंपल क्या हो गया फॉर्मूला। नॉर्मली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है कि ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यदि परिवर्ती द्रव्यमान के लिए बात करें, ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसके लिए, परिवर्ती द्रव्यमान के लिए। तो देखो, परिवर्ती द्रव्यमान की बात करोगे तो आप लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। ये एम क्या है, द्रव्यमान है किसी भी कण का, लेकिन यदि कण बहुत तेज गति से गति कर रहा है तो हमें पता है कण का द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमने ये चीज अच्छे से पढ़ी है। तो अब आपके लिए के इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/λ। ठीक है, 2π λ की जगह क्या पुट कर देंगे, h/mv। तो हमने h/mv क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, और m की जगह वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे। तो देखो, k इक्वल्स टू हो जाएगा 2h m0v डिवाइडेड बाय h√1 - v² / c². ठीक है, एक तो ये पैरामीटर आ गया। सेकंड, हम ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2π v या फिर 2π mc² / h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, v की वैल्यू पुट कर दी, टाइम्स एच अपॉन क्या आ जाएगा, ई, और ई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, mc² यहाँ पे भी m की वैल्यू पुट करेंगे तो m0c² 2π/h√1 - v² / c², दोनों वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इससे हम क्या, एक बार तो dk/dv की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसका क्या कर देंगे, v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, और एक बार dω/dv की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका v के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो फाइनली vg जो है वो क्या होगा, dω/dk को कहा जाता है, dω/dk। तो vg इक्वल्स टू हो जाएगा dω/dv dk/dv। इन दोनों से जो आंसर आए, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी, जो सिंपली v के फॉर्म में सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल।